हेलो। हेलो। हाँ जाना। हाँ जी, बीमार और ले ले, मेरे बच्चे बीमार होते हो। गया। कैसे, क्या क्या हुआ अचानक? कल तक तो ठीक था। सर्दी खांसी फीवर ओ मैं बच्चा, प्यारा सा बच्चा। गधे, दवा ध्यान तो लेके आ रखना। जाओ। हाँ बताओ कौन सी लानी है। डॉक्टर ने भेज दी होगी ना चिट, वो दे दो मेरे को, मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास ही नहीं गई तो वाह शाबाश, प्राउड ऑफ यू। कितना कितना जी। मेहनत भरा काम किया ना अपने, सबसे अच्छा काम दुनिया का, राइट? अरे तो सर्दी ऐसी होती है, वो ठीक हो जाती है 3-4 दिन में। हाँ अभी लेकिन 4 दिन हो रखे हैं केयर मुझे भी तो करनी फिर अब होती मैं है। ठीक हो गई। सिनारिस, हाँ सिनारिस नाम की गोली होती है, ले लेना, थोड़ा फीवर वीवर कम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ने मत तो। ओके, ऐसे बिना कुछ करे ऐसे ही सब कुछ ठीक नहीं होता, बढ़ जाती है सारी बीमारियाँ। ठीक है, जी ठीक है, तो मेडिकल फिर से मम्मी बुलवा आती लेना या होगी। फिर लेके आ जाना किसी से, बुलवा लेना। ठीक है, वो ले लेना। ओके, आई लव जी ओके, यू। लव यू। कैसी आवाज हो गई ना तुम्हारी, स्वीट थी और स्वीट हो गई। हाय, इतनी बिल्कुल खांसी, खराब है। इतनी खांसी। खांसी इतनी नहीं है, बिकॉज अभी मैं रोक रही हूँ ना, तब ज्यादा आ रही है। खांसी रोक रही हूँ। रोको मत फिर। बाप अरे रे बेब, कितनी खराब कर ली तबीयत। मैं कह रही हूँ अब मैं ठीक भी हो गई, अब हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत ठीक हो गए, पता है। तो फीवर नहीं है, वरना फीवर था उस टाइम पे तो मेरा बात करने का भी जरा मन नहीं करता था। खाना खाने का भी मन नहीं करता था, अब तो खाना खाने का मन करता है। इसलिए और अब पता कोलकाता जा क्या हो गया रहे मेरे थे। को ना, सुनो ना, आज ना मुझे मेरे दांत में हल्का सा दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो दांत में ये सर्दी सर्दी खांसी तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, मेरे दांत दर्द दिखाई दे रहा अभी तो। तो नहीं, बीमारी मेरा साथ कब छोड़ेंगे। वो, अरे आवाज कट रही है आपकी। अरे अरे, मैंने कहा मेरी जान, पानी पियो ज्यादा और अपना ध्यान रखो। वही रख रही हूँ ना, पर कुछ और नहीं प्लीज रखा जाता। तो मेडिकल फिर से, आप किस आप किस लिए हो, जब मैं खुद का ध्यान खुद रखूँ तो आप नहीं रख सकते। मैं तो रखता ही हूँ ना तुम्हारा, ऐसे तो है नहीं कि मैं कुछ रखता नहीं हूँ आपका ध्यान, है क्या रखते हो? ना? अच्छा, आप इतना बोल रहा हूँ, वहां के तो कुछ कर नहीं सकता ना अभी। आपको पता है मैं सबसे ज्यादा बीमार होती हूँ इधर। हाँ वो तो पता है मेरे को, हर बार अच्छी मैं बात है ना, बीमार हो बीमार जाती होते हूँ, पड़ो फिर, मर होते रहो जाती बीमार, केयर खुद की करते नहीं, हॉस्पिटल कभी जाते नहीं हो और तबीयत खराब करते रहते हो। अभी रिसेंटली तो हॉस्पिटल से आए थे और तबीयत खराब कर ली, वेरी गुड। मैंने आजकल जो भी यार। लड़की को देखा, चाहे वो मेरे घर रिलेटिव्स हो या कोई भी हो, सब बीमार पड़ी है, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया की लड़कियां ही बीमार पड़ी है, पता है? आपको क्या मतलब किसी और लड़की से और अरे घर घर में भी कोई बीमार लड़कियां पड़े? होती है ना, रिलेटिव्स या फिर बहनें कौन होती है, तो लोग बस उनको भी देख रहे हो साला, सब बीमार पड़े। मेरी तो गर्लफ्रेंड भी मौसम बीमार पड़ी चेंज है। हो रहा है, मौसम चेंज हो गया है ठीक है, तो फिर ये बीमारी हाँ आम बात है, कोई बड़ी बात मैं भी नहीं है। बीमार था लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, पता था मम्मी को, इतनी सर्दी हो गई थी ना, मैं रात भर नहीं सो हाँ पाया, हाँ नाक क्योंकि बंद आपका था, ख्याल फीवर चढ़ रखने गया वाले, था। सुनो तो, आपका ख्याल रखने वाले बहुत है ना ऑलरेडी। मेरा कौन ख्याल रखता है? कोई भी नहीं। तुम मुझे अकेले लगता है तो आप मेरा ख्याल रखते हो, बट आप फिर नहीं रखते। हाँ मेरी बात तो सुन ले मेरी माँ। जी बोलो। 2 दिन तक मेरे को सर्दी चली, पता है, पहले दिन भी मेरे को लगा रे ठीक हो जाएगी, रात को मेरे को नींद ही नहीं आई, पूरा नाक बंद हो गया मेरे दोनों, ठीक है, मतलब एक ही नाक होता है, दोनों साइड बंद हो गई नाक की, ठीक जी है। फिर उसके बाद पता है सुबह तक मैं सो नहीं पाया, फिर 10 बजे, दिन के जैसे ही 10 बजे, मैंने बोला भाई गाड़ी निकालो और चल मेरे को हॉस्पिटल ले गया। मैं गया, खांस लो खांस लो, मैं गया हॉस्पिटल, ठीक है, वहां जाके ऐसे लोकल हॉस्पिटल गया, नॉर्मल से छोटे मोटे, ठीक है, वहां पे जाके उनको बोला सर मेरे को हुई है सर्दी, मेरा नाक बहुत बंद है, मेरा हल्का सा सिर दुख रहा है, मेरे को बुखार है, एक इंजेक्शन निकालो और टोच दो मेरे बम में, बात खत्म करो, बस सिंपल।
तो उन्होंने लिया इंजेक्शन, इतना जोर से चुपाया ना, मेरे को अभी तक दर्द महसूस होता है। एक दिन तक पैर काम नहीं करा ढंग से मेरा, साले ने इतना जोर से चुपाया, ठीक है, गलत चुपाया उसने, अच्छे से नहीं दिया, ठीक है। तो यू कॉन्ट इमेजिन, रात भर में, दूसरे दिन सुबह उठा, रात में, शाम को मैं सबको बोल, मतलब सब मेरे को बोल, कैसे ठीक होगा, इतनी सर्दी हो गई, इतनी सर्दी हो गई, दूर दूर भाग रहे सब। चलो बेटा रुको, सिर्फ आज रात की, आज रात बीतने दो, कल पूछना, कल आना मेरे पास तुम लोग। सुबह उठा, सिर्फ मुंह से आवाज निकाली, एकदम क्लियर, मेरा गला वाला सब नॉर्मल, सब, सिर्फ एक मेडिसिन, एक इंजेक्शन, बात ही खत्म। सर्दी एक दिन में फर्र, क्या क्योंकि तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है, कर बहुत डरते हो ना तुम इंजेक्शन से। सकते हैं? मैं तुम्हारे, हॉस्पिटल जाने से ही बहुत डरती हूँ। हाँ, तुम्हारे हाथ में अगर डॉक्टर इंजेक्शन भी देगा तो तुम इतने पतले हो ना, ऐसा लगता है एक साइड से सुई चुबाएगा, बाहर निकलेगी दूसरी साइड से, प्लीज और बाहर ही पानी आएगा वो इंजेक्शन ना, का। ऐसा भी बहुत, ऐसा भी नहीं है। आपको पता है मेरा नाक भी दुख के है साफ करते करते। अरे रे जी, मेरे को नाक में कुछ नहीं होता, सिर्फ वैसे बंद हो जाता है, अंदर से होता है, बाहर कुछ नहीं आता। सी क्या कोल्ड कोल्ड का वो, यार पता मैंने क्या किया, क्या, मम्मा ने मुझे कहा ना कि मतलब ये होता है, मतलब बचपन से हमारी फैमिली में ऐसा होता है, अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाए ना तो जो सरसों का तेल होता है ना उसकी मालिश करने से मतलब हम ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, फिर मम्मा ने मुझसे कहा कि ऐसा कर ले तू भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता था मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर जो सरसों के तेल वाला जो छोटा सा डब्बू है ना, डब्बू मतलब बॉक्स है ना, डब्बा सा छोटा सा, वो नहीं मिला मुझे। ठीक है, फिर मेरा दिमाग इतना शातिर, मतलब मैं इतनी खुद को बड़ी चतुर समझती हूँ ना, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सरसों का तेल मतलब नहीं मिल रहा है तो फिर अचार वाला डब्बा निकालू, उसमें सरसों का तेल होता है, उससे निकाला तेल वो। अचार का फिर तेल लिया तुमने? सीरियसली? हाँ नहीं, सुनो तो फिर सीरियसली क्या हुआ, सुनो ना, फिर वो अचार था मिक्स, उसका मतलब मिर्ची गोभी और वो आम का, ठीक है, हाँ मूली का। फिर मैंने वो गर्म करके मतलब उसकी मालिश मालिश ऐसी की कि मतलब नाक में भी घुसा दिया तेल। ठीक है, मुझे लगा मैं अभी के अभी ठीक हो जाऊं। ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ी सी जलन महसूस हुई, मतलब ये क्या हो गया, मेरे हाथ भी साफ थे और जिसने गर्म किया वो भी बिल्कुल साफ था, धो के किया मैंने सब कुछ, तो धीरे धीरे बढ़ने लग, वो मतलब इतना हो गया कि वो नाक वाली मिर्ची ना वो गले तक आ गई मेरे अंदर, मतलब इतना ये कर दिया, और इतनी मतलब इतनी जलन हुई, जुकाम का कुछ भी नहीं रहा, मतलब जुकाम ऐसे ही उड़ गया हवा में, और तब इतनी मिर्ची लगी मुझे और हाथों में भी मतलब इतनी हो रही थी। मैं फिर जाके मेरा दिमाग घूमा, मैंने कहा वो तो अचार था उसमें तो मिर्ची थी, यार मतलब मैंने क्या क्या किया, नहा लिया फिर, है ना? मिर्ची वाला वो नाक में घुसा दिया फिर नहा लिया क्या? हाँ। फिर वैसे मैं सर्दी से इतना बच रही थी, ठीक है, फिर गई मैं ठंडे ठंडे पानी में, पानी से अपनी नाक साफ की। अरे हाँ, रे बेचारी, फिर कितने गधे हो, अचार के तेल से कौन जाकर करता है? सरसों का तेल ला लेते 10 रुपए का बाहर मुझे, से, जब मार्केट से जाके अरे तो यार। मुझे लगा कि मैं बड़ी शातिर हूँ मतलब, है ना, ठीक है, तो मैं अचार का तेल ही ले छोटे हो तुम, लेती हूँ। गधे गई के यार, भगवान उठा ले मेरे को। पागल वो और बढ़ गया होगा, अचार पहले खट्टा होता है। खट्टा भी यार, बट वो मिर्ची मुझे अभी तक फील हो रही है सच में। गधे हो ना, बेवकूफ, फोन करके पूछ लेते, मोहित मेरा सरसों का तेल खत्म हुआ है, मैं क्या करूं? मैं बोलता बाजार में जाओ, किराना की शॉप पे, 10 रुपए का सरसों का तेल मांगो, वो दे देता है। गधे गई है। नहीं, तुम इतने आलसी हो ना, मेरे को पता है तुमने ये भी नहीं सोचा होगा कि चलो नीचे उतर के थोड़ा मार्केट में जाके सरसों का तेल लेके आती हूँ। तुम्हारे माइंड में सबसे पहला ख्याल ये है, अचार में सरसों का तेल लगा है वही निकालते, गधे। नहीं। मैंने क्या किया, इससे अच्छा सिंपल बताता हूँ, बाम लेने की और नाक में लगा देने की अंदर अंदर से, ठीक है, और सो जाने का, सुबह तक सब गायब। बाम स्ट्रांग होती है, विक्स मत लगाना, बाम स्ट्रांग होती है ना, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। मैं तो पिंपल्स पे भी लगाता हूँ।
जलन होती है, दर्द होता है, बट ठीक हो जाता है दूसरे दिन। तुम ट्राई मत करना, सबके लिए नहीं होता, किसी किसी को चल जाता है। गधे हो सरसों का अच्छा प्यार का तेल नाक में भाई। और बताओ, कोई कोई नहीं, इट्स ओके, ध्यान रखो अपना, केयर करो, ठीक हो जाओगे, देख पागल जी। आई लव यू। नहीं यहाँ की सब नहीं चलेगा, नहीं तो बोलेगी मोहितिया घर का सरसों का तेल खत्म हो गया है, रुको अचार से निकाल के तुम्हारी नमी तो बाथरूम में लेके जाएगा गर्म पानी से, तुम कोई नहल, तुमसे ही नहलवाना है मैंने खुद को फिर। जो अचार से निकाला ना मैंने, वो उसमें मसाले तो आने चाहिए थे, मसाले कुछ भी नहीं थे, मतलब मसाले वगैरह कुछ भी नहीं आए, वो तेल तेल में इतना मिक्स हो ज्यादा जाता है था ना अचार सब, में। डिजोल्व हो जाता है सब। अरे अचार में वो ऑयल इतना ज्यादा था कि वो बिल्कुल साफ ऑयल करके बाहर निकला, नहीं तो मुझे दिख जाता कि ऑयल में क्या है ये, तब तो इतना दिमाग घूमता तो है कहते तो होता ही है भाई। उसमें, फिर भी अच्छे से मिक्स हुआ होता है वो तेल उसमें। ऐसी मिर्ची वाली मालिश की ना मैंने, मुझे गधे लगा कि चुटकी में जुकाम खत्म कर दूं। हो यार तुम, बहुत गधे हो। लव यू पागल, बेवकूफ। मेडिसिन ले लेना यार, अभी किसी को भेजो, ठीक है, बोलना से नारेस की मेडिसिन मैं तुमको उस पर लिख के भेज दूंगा, ठीक है, गूगल से ढूंढ के, मेरे को खुद नहीं याद, तो मैं तुमको भेज दूंगा, आप मंगा लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, आपको खुद नहीं आता या तो अभी काम को मैं एड्रेस भेज दूँ, मैं सीधा वो नहीं हूँ, तो ऑनलाइन मेडिसिन भेजते हैं घर पे, वो कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी आ जाएगा तुम्हारे पास, और तुम ले लेना, ओके। ठीक छाती आराम वाली गोली है वो, सीना रेस्ट। ठीक ओके है, केयर करो बच्चा अपनी, ध्यान रखो, गर्म पानी पियो, है ना, ठीक अपने आप की केयर करो जरा, कुछ नहीं रखा कोई चीज में, है ना, पागल सी। चलो मुझे अब बहुत सारे असाइनमेंट्स लिखनी है, तुम लिख के दोगे मेरे को, छोड़ो बीमार हो, रहने दो, पागल तुमसे हो, नहीं मुझे होगा। रेस्ट की जरूरत है। हाँ इसलिए बोला, तुमसे कुछ नहीं होगा, छोड़ो मेरे को ही लिखनी है, आठ आठ, चलो जाओ निकलो ऐसे। तो जाओ लिखो, करो आई लव अपना यू, काम, मुझे सोने मिस दो। यू, आई लव यू टू, विश यू टू मिस टू, टाटा टू। हे। चल दो।